हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर अभिषेक महेश्वरी। तो आज की इस वीडियो में हम व्हाट इफ एनालिसिस के गोल सीक फंक्शन को समझेंगे। तो इसको हम तीन एग्जांपल्स के थ्रू समझेंगे। पहले एग्जांपल के अंदर हम एक स्टूडेंट की मार्कशीट लेंगे, सेकंड एग्जांपल के अंदर हम एक कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी को स्टडी करेंगे कि किस तरह से कंपनी टारगेट प्रॉफिट्स अचीव कर सकती है, और तीसरे एग्जाम्पल के अंदर हम एक लोन पेमेंट को लेकर के डिस्कस करेंगे कि किस तरह से EMIs को कम और ज़्यादा किया जा सकता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो द पर्पस जो है वो हमारा गोल सीक का वो है टारगेट्स अचीव करना। जैसे फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट के 12th बोर्ड के एग्जाम चल रहे हैं, तो उसके जो अकाउंट्स के एग्जाम में उसको लगता है उसके 65 मार्क्स आएंगे, इकोनॉमिक्स में 70, बिजनेस में 68, मैथमेटिक्स के अंदर 70, इंग्लिश का एग्जाम होना भी बाकी है। सो अभी तक के जो उसके एग्जाम्स हैं उनका जो टोटल है वो उसका बनता है करीबन इन सब का टोटल लगा लो आप इंक्लूडिंग इंग्लिश 273, और फिलहाल के एग्जाम्स के अंदर जो उसकी परसेंटेज बन रही है वो बन रही है 55%। यानी अगर उसके इंग्लिश में 0 मार्क्स आते हैं तो उसकी 55% परसेंटेज आ रही है। बट वो ये चाहता है, स्टूडेंट चाहता है भाई उसका जो है 12th में 70% मार्क्स हों। तो 70% मार्क्स लाने के लिए उसके इंग्लिश में कितने मार्क्स होने चाहिए, तो ये हम कैसे पता लगा सकते हैं व्हाट इफ एनालिसिस के गोल सीक फंक्शन से। इसमें हमें क्या करना होगा, सेट सेल। हम क्या चाहते हैं कि जो परसेंटेज वाली सेल हो ये कितनी हो, ये हो 70%। तो आपको यहाँ परसेंटेज का साइन भी लगाना पड़ेगा, जो फॉर्मेट यहाँ पर आपने सेलेक्ट किया है अगर परसेंटेज वाला है तो परसेंटेज लगेगा। बाय चेंजिंग सेल, किस सेल में चेंज करके, इंग्लिश वाले एग्जाम में चेंज करके, एंड क्लिक ऑन ओके। तो इट मीन्स कि अगर स्टूडेंट के इंग्लिश में 77 मार्क्स आ जाते हैं तो उसकी जो परसेंटेज है वो कितनी हो जाएगी, 70% हो जाएगी। अब एक और एग्जांपल लेते हैं कि सपोज एक डेटा गिवन है कंपनी का, सेलिंग प्राइस पर यूनिट है 50 रुपीज, कॉस्ट पर यूनिट है 22 रुपीज, कंपनी 100 यूनिट सेल करती है और कंपनी 10% कमीशन भी देती है सेल्स के ऊपर। तो एक बार हम देखते हैं कंपनी की क्या प्रॉफिटेबिलिटी आ रही है। सेलिंग प्राइस पर यूनिट है 50 रुपीज और नंबर ऑफ क्वांटिटी सोल्ड है 100। सो टोटल सेल कितनी हुई, 50 × 100, टोटल सेल इज 5000 रुपीज। सेल्स कमीशन कितना है, 5000 × 10%, क्योंकि जो भी हमारी सेल्स वैल्यू होगी उसका हमें ये 10% सेल कमीशन देना पड़ेगा, तो 500। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट क्या होगी, जितनी यूनिट हम सेल कर रहे हैं मल्टीप्लाई बाय एक यूनिट की कॉस्ट कितनी है, 22 रुपीज। तो ये हो गई हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट। टोटल कॉस्ट क्या हुई हमारी, सेल्स कमीशन प्लस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट, दिस इज द टोटल कॉस्ट। और प्रॉफिट निकालने का तरीका बिल्कुल सिंपल, टोटल सेल्स माइनस टोटल कॉस्ट, तो दिस इज द प्रॉफिटेबिलिटी। तो ये प्रेजेंट सिचुएशन में कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी है। कंपनी ये चाहती है कि वो 5000 का प्रॉफिट अर्न करे, तो 5000 रुपये कमाने के लिए वो जानना चाहते हैं कि हम कितनी यूनिट सेल करें। तो कैसे करेंगे, व्हाट इफ एनालिसिस गोल सीक टू सेल। अब हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं भाई ये जो हमारी प्रॉफिटेबिलिटी हो, तो आप इस पर क्लिक करिए प्रॉफिटेबिलिटी पे 2300 पे। इसको हम क्या चाहते हैं कि ये हो हमारा 5000। बाय चेंजिंग सेल, किस सेल को चेंज करना है हमें, क्वांटिटी को, कि भाई हम कितनी क्वांटिटी बेचें ताकि हमारा जो प्रॉफिट है वो कितना हो जाए, 5000। क्लिक ओके। तो इट मीन्स कि अगर कंपनी 217 यूनिट सेल करेगी तो उसकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो 5000 रुपीज़ हो जाएगी। लेकिन सपोज ड्यू टू सम लिमिटेशन ऑन द मशीन की अपनी कैपेसिटी है, कैपेसिटी की वजह से कंपनी जो है सपोज अपनी नंबर ऑफ यूनिट्स को इंक्रीज नहीं कर सकती, वो 100 ही रहेगी, लेकिन कंपनी सेलिंग प्राइस इंक्रीज कर सकती है। तो कंपनी ये जानना चाहती है कि भाई 5000 रुपये का अगर हमें प्रॉफिट कमाना हो, अगर हम इफ वी वॉन्ट टू अर्न 5000 रुपीज़ प्रॉफिट, तो सेलिंग प्राइस में क्या चेंज करें कि प्रॉफिटेबिलिटी 5000 हो जाए, क्योंकि अगर क्वांटिटी नहीं बढ़ाई जा सकती है तो उस कंडीशन में। तो सेट सेल 2300 टू 5000 रुपीज, बाय चेंजिंग सेल सेलिंग प्राइस पर यूनिट, एंड क्लिक ओके। तो अगर कंपनी अपना सेलिंग प्राइस 80 रुपीज कर देती है, क्योंकि हमने माना कि क्वांटिटी नहीं बढ़ाई जा सकती, तो भी उसकी प्रॉफिटेबिलिटी 5000 रुपीज आ जाएगी। अब एक और एग्जांपल लेते हैं लोन का। सपोज आपने कोई कार खरीदनी है जिसकी कॉस्ट है 5 लाख रुपीज़, 2 लाख रुपीज़ आपने डाउन पेमेंट दे दिया है,
तो आपको कितना लोन चाहिए? 5 लाख माइनस 2 लाख, 3 लाख का आपको लोन चाहिए। जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है पर मंथ वो है 1%, और आप 5 ईयर्स का इंटरेस्ट के लिए लोन लेना चाहते हैं तो यानी 60 मंथ्स का आपका टेन्योर हो गया लोन का। अब हमें ईएमआई कैलकुलेट करनी है। ईएमआई कैलकुलेट करने के लिए एक फंक्शन होता है पीएमटी फंक्शन। तो पीएमटी फंक्शन के ऊपर मैंने एक अलग वीडियो भी बनाई हुई है जिसको कि आप देख सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पर हम कैसे निकाल सकते हैं पीएमटी? सबसे पहले रेट 1%, कोमा एनपीआर नंबर ऑफ पीरियड 60, कोमा पीवी कितने का लोन चाहिए हमें? 3 लाख रुपीज़ का लोन, एंड ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। तो ये आ गया हमारा 6673.33। ये माइनस में इसलिए आ रहा है क्योंकि कैश आउटफ्लो होगा जब हम ईएमआई का पेमेंट करेंगे। तो इसको हम एक काम करते हैं, माइनस साइन लगा लेते हैं, तो ये पॉजिटिव वैल्यू हो जाएगी जो कि समझने में इजी रहेगी। तो ये आपकी आती है इंस्टॉलमेंट बनके 6673.33 की। अब आपको लगता है भाई आप तो इतनी इंस्टॉलमेंट नहीं दे सकते, आप अपनी 5000 आप अपनी इंस्टॉलमेंट रखना चाहते हैं। अब आपको लगता है आप इतनी इंस्टॉलमेंट नहीं दे सकते हैं, तो आप क्या चाहते हैं भाई मेरी जो ये इंस्टॉलमेंट हो ये 5000 ही हो, तो सेट सेल टू 5000 रुपीज़। और अब आप क्या चाहते हैं कि भाई मैं अपना जो लोन है, ये जो डाउन पेमेंट है, ये थोड़ा सा मैं बढ़ा दूँ, डाउन पेमेंट बढ़ा दूँ, थोड़ा सा लोन कम हो जाएगा, तो मैनेज हो जाएंगी चीज़ें। तो कितने का मेरे को डाउन पेमेंट करना पड़ेगा? आपको डाउन पेमेंट करना पड़ेगा 2,75,224। अगर आप इतने का डाउन पेमेंट करते हैं तो लोन अमाउंट कम हो गई, तो आपकी 5000 की ईएमआई में काम हो जाएगा। या अगर आपके पास डाउन पेमेंट करने के लिए 2,75,000 नहीं है, 2 लाख ही है, और आप ये भी चाहते हो कि मेरी ईएमआई भी इतनी ही रहे 5000, तो आप क्या कर सकते हो? आप अपना टेन्योर बढ़ा सकते हो। तो कितना टेन्योर हो जाएगा तब आपका, वो भी हम गोल सीख से पता लगा सकते हैं कि भाई हम क्या चाहते हैं। सेट सेल दिस ईएमआई इज माय सेट सेल G11, ये कितनी हो? 5000 रुपीज़ हो। बाय चेंजिंग सेल, किस चेंज सेल को चेंज करना है? टेन्योर को चेंज करना है, एंड क्लिक ओके। तो अगर 5000 की इंस्टॉलमेंट पे करना चाहते हो तो आपको जो पेमेंट करना होगा वो 92 मंथ्स तक करना होगा। तो आई होप आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, गोल सीकर फंक्शंस इसके यूजेस समझ में आए होंगे। तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।